अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन इंग्लिश। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद मी टुडे, वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी रूल्स। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स, अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं टेक प्लेस ऑनिंग टू केयरलेसनेस, हमारे जो उसके केयरलेसनेस लापरवाही होती है उसके कारण होते हैं, ऑनिंग टू के कारण, केयरलेसनेस लापरवाही के कारण होते हैं। एंड और इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसे हम रोक सकते हैं। प्रिवेंटेड मीन्स रोकते हैं, ठीक है, रोकना। कैन बी सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसे हम रोक सकते हैं। सो यू मस्ट लर्न, अब यहाँ पे दिया है इसलिए, सो यू मस्ट लर्न, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, यू टू बी लिटिल मोर केयरफुल इन एवरीथिंग यू डू, जो भी तुम काम कर रहे हो, करने जा रहे हो, उसे करते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। हैबिट्स ऑफ सेफ्टी शुड बी प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर, जो हैबिट है हमें सेफ्टी की, वो आदर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, एट होम, घर पर, वाइल क्रॉसिंग अ रोड, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हों तब, इन स्कूल, घर में, वाइल, जब स्विमिंग एंड प्लेइंग, जब हम तैर रहे हों या खेल रहे हों तब हमें सेफ्टी रूल्स प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सेफ्टी रूल्स, अब हम यहाँ पे थ्री रूल्स हम डिस्कस करेंगे, 1, 2, 3 सेफ्टी रूल्स फॉर वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, ठीक है। व्यस्त सड़क पर चलने के लिए सुरक्षा के नियम, ठीक है, व्यस्त सड़क पर चलने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे यहाँ ये दिया है, ठीक है। सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, तो यह विद्युत उपकरणों को प्रयोग में करते समय सुरक्षा के नियम, ठीक है। सेफ्टी रूल्स फॉर प्लेइंग गेम, जब हम खेल रहे हों तो खेलते समय जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं उसके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ्टी रूल्स फॉर वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, ठीक है। मैनी पीपल गेट इंजर्ड, अधिकतर लोग इंजर्ड मीन जख्मी होना या मतलब घायल हो जाना, ठीक है। मैनी पीपल गेट इंजर्ड और किल्ड मतलब मर जाना, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। मैनी पीपल गेट इंजर्ड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और या मर जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रूल्स, क्योंकि वो जो सेफ्टी रूल्स हैं वो हमारे रोड के चलने के, तो उसे फॉलो नहीं करते हैं, एंड ऑफ द रोड, ठीक है। दीज रूल्स शुड बी फॉलोड, ये जो रूल्स हैं हमें फॉलो करने चाहिए, वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड, जब हम रोड पर चल रहे हों तो हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज वॉक अलोंग द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, ठीक है। इट इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर वहाँ फुटपाथ नहीं है रोड पर, तो वॉक अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो रोड के लेफ्ट साइड में हमें चलना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लुक टू द राइट, हम पहले जब रोड क्रॉस कर रहे हों तो पहले राइट देखें, देन टू द लेफ्ट, और फिर बाद में लेफ्ट देखें, एंड देन टू द राइट अगेन, फिर हम दोबारा, अगेन का मीनिंग दोबारा देखें, दोबारा राइट देखें, एंड व्हेन यू सी, जब तुम देख लो, व्हेन यू सी जब तुम देख लो दैट की द रोड इज़ क्लियर, जब रोड साफ है, देन क्रॉस इट, तब हम रोड को पार करें। थर्ड, क्रॉस द रोड एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हों तो हमें रोड क्रॉस करते समय पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करें, अदरवाइज कहीं और से, बीच में से कहीं से ना करें। डू नॉट वॉक बिटवीन व्हीकल्स पार्क्ड ऑन द रोड, जब हम रोड पार कर रहे हों तो या वॉक, हम जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हों, ठीक है, बहुत सारी, वहाँ पर हम ना चलें, ठीक है। डू नॉट प्ले वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड, जहाँ पर वॉकिंग अलोंग द रोड, तो हम वहाँ पर ना खेलें, डू नॉट प्ले, वहाँ ना खेलें, वाइल जहाँ वॉकिंग अलोंग द रोड, जब रोड चल रहा हो तो रोड चलते हुए ना खेलें। सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अब यह है गाइज, इलेक्ट्रिसिटी लाइट को तो ये तो जानते ही हैं कि सभी लोग के इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। अब उसके इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एसेंशियल टू आवर होम फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, कूलिंग, ETC, ठीक है। लाइट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है,
टू आवर होम्स, हमारे घर के हमारे घरों में, ठीक है। फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, हीटिंग गर्म करने के लिए, लाइटिंग प्रकाश के लिए, कूलिंग ठंडा रखने के लिए, इटीसी आदि, ठीक है। यदि यू मस्ट हैव सीन आयरन, टोस्टर, लैंप्स, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज, स्टोव्स एंड कूलर्स इन योर हाउस, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे घरों में, हम सबके घरों में होती हैं गाइज। टुडे दीज थिंग्स आर नेसेसरी, ये जो वस्तुएं हैं टुडे, आजकल के टाइम में या ठीक है, दीज थिंग्स, ये जो वस्तुएं हैं आर नेसेसरी, आवश्यक हो चुकी हैं एंड और यूज़फुल टू आवर लाइफ, ठीक है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। इफ़ हैंडल्ड केयरफुली, अगर हम इसे हैंडल करें केयरफुली, सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं इसकी, तो इसलिए हम करते भी हैं, ठीक है। दे कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं। इफ़ यदि दे आर नॉट यूज केयरफुल, अगर हम इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं। द गिवन रूल्स शुड बी फॉलोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। द गिवन रूल्स, जो ये रूल्स दिए हुए हैं, शुड बी फॉलोड, हमें फॉलो करने चाहिए, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उससे हमें बचने के लिए ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड विद केयर, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, शुड बी यूज्ड, हमें इस्तेमाल करने चाहिए विद केयर, सावधानी पूर्वक। सेकंड, स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू टच इलेक्ट्रिक एप्लायंस, तो इस छोटे बच्चे जो हैं शुड नॉट बी अलाउड, उन्हें छोटे बच्चों को तो अलाउड नहीं करना चाहिए टू टच, कि वो बच्चे किसी चीज़ को छुएं, इलेक्ट्रिक एप्लायंस के, इलेक्ट्रिक का जो भी यंत्र है, जो उपकरण है, उसे बच्चे छुएं, उन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं देना चाहिए। द स्विच शुड बी टर्न ऑफ, टर्न ऑफ गाइस स्विच ऑफ कर देना, बिफोर टचिंग द लैम्प और द हीटर, हीटर को और लैम्प को टच करने से पहले उसे बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। द इलेक्ट्रिक वायर्स शुड नॉट बी टच्ड विद वेट हैंड्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, जो तार होते हैं, शुड नॉट बी टच्ड, हमें टच नहीं करने चाहिए विद वेट हैंड्स, ठीक है, गीले हाथों से हमें उस वायर्स को या तार को, हमें कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क जो नहीं करना चाहिए। द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड द वायरिंग ऑफ द हाउस शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, गाइस यहाँ पे दिया है इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं एंड द वायरिंग, और जो हमारे घरों में या लाइट की जो वायरिंग होती है उसकी, घरों की इक्विपमेंट्स जो भी यंत्र होते हैं उनकी वायरिंग होती है, जो घरों की वायरिंग होती है, उसे शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमें टाइम टू टाइम इसकी चेक कराते रहना चाहिए। सेफ्टी रूल्स फॉर प्लेइंग गेम्स, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स, ठीक है, सारे बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, but they can get injured, वे जख्मी हो सकते हैं, while जब playing, खेलते समय वो जख्मी हो सकते हैं, therefore, ठीक है, इसीलिए these rules should be followed while playing, जब बच्चे खेल रहे हों तो उन्हें ये rules follow करने चाहिए। never play a rough game, कोई भी बेकार जैसा game नहीं खेलना चाहिए, rough game लो जो भी जो नेशनल या इंटरनेशनल ना हो या जो इंजर्ड कर सकता है, ऐसे गेम हमें नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। टू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर एमलेसली, कोई भी वस्तु जो ऐसी वस्तु हो जो हमें फेंक कर नहीं खेलें, ना खेलें, जैसे कि स्टोन्स है, नाइफ है, या कोई भी बहुत सारी चीज़ें, स्टिक्स है, ठीक है, उसे हम बेवजह फेंक कर ना खेलें। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर एमलेसली, ठीक है गाइज। थ्री, देयर शुड नॉट बी स्टिक्स, नेल्स, ग्लास पीस इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में स्टिक्स, डंडे, नेल्स, कील्स, ग्लास और पीस, मतलब कांच के टुकड़े, इन द प्ले ग्राउंड नहीं होना चाहिए। प्ले ग्राउंड में ये सब चीज़ें, स्टिक्स हैं, नेल्स है, कील हैं, ग्लास पीस हैं, ठीक है, ये कांच के टुकड़े उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले नियर
थॉर्नी बुशेस और बर्बेड वायर्स। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस का मीनिंग होता है कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। वायर्स, बर्बेड वायर्स, और जो तार होते हैं कटीले तार, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस, ठीक है, और बर्बेड वायर्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, शार्प मतलब जो तेज़, जैसे दनाती हो गई, ठीक है, नाइफ हुआ, इन सब चीज़ों से, या आरी है, इन सब चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। और ऑफ वायर शुड, कोई फायर शुड, फायर आग से, ठीक है, नॉट प्ले, नॉट टू बी द पार्ट ऑफ द गेम, गेम का पार्ट नहीं होना चाहिए। कौन? आग और शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है हमें गेम का पार्ट नहीं होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट गाइज, ये ज़रूर बताना कि ये कैसे रूल्स लगे, सेफ्टी रूल्स। जैसे आपको पता ही है कि सेफ्टी रूल्स लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप आज हमने यही डिस्कस करें, तो आप लोग सब ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये कैसे, इसलिए आपने इन रूल्स से जो मैंने पढ़ाए, तो इनसे आपने कितना सीखा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आदाब, सलाम अलैकुम।